दिल दे अरमां अथरुआ विच बह गए, असी कम करके भी पिछे रह गए। हाँ जी, की हाल चाल ने? बॉलीवुड दा आदरा लै के बॉलीवुड फिल्मी गपशप, और ये जिहड़ी व्यथा मैं गा गा के तुहानू सुना रहा, ये एक बॉलीवुड के महान एक्टर की है। आखिर उन्हें क्यों ये वालियां गल्लां कहियां, दसदा टेंशन ना लो। और कौन एक्टर है जिन्हें ये सारी व्यथा सुनाई है, वह बॉलीवुड का बड़ा वड्डा एक्टर है, बहुत वड्डे कलाकार का मुंडा, और उसका भरा भी बॉलीवुड का स्टार रहा है। मैं गल कर रहा देओल फैमिली दे बॉबी देओल की। बॉबी देओल की एक वैब सीरीज लॉन्च हुई, और उस प्रमोशन के सिलसिले एक समारोह के गए, उत्थे उन्हों का बेटा उन्होंने नाल सी, और पत्रकारा ने उन्होंने कहा कि तुहाडे मुंडे की परसनैलिटी कमाल की है, हीरो बनन दे लायक है, ये स्टार एक दिन जरूर बनेगा। और नाल ही उन्होंने पत्रकारा टोक दिता बॉबी देओल ने, उन्होंने कहा कि चुप रहो यार, ये वाली मनुसीयत भरिया गल्लां मेरे मुंडे दे बारे तुसी ना कहो तो गल चंगी है। तो पत्रकार ने पूछा कि असी कोई मनुसीयत भरिया गल्लां नहीं कह रहे, असी तो तारीफ करन दे आं। कहिंदे अज तो 20 साल पहला मेरी भी किसी ने इदा की तारीफ की सी, मैनू भी किसी ने कहा ही कि तुहाडी परसनैलिटी हीरो बनन दे लायक है, तुसी हीरो नहीं तुसी सुपर स्टार बनोगे, तुहाडा एक दिन वह दिन जरूर आएगा। पर मेरा वह दिन आया ही नहीं, मैं उस खुशी के मारे फुलिया रहा कि मेरा भी एक दिन आएगा, मैं भी बॉलीवुड का बेताज बादशाह बनागा, सुपर स्टार बनागा, पर मैं स्टार नहीं बन पाया। मैनू फिल्मां मिलनियां बंद हो गई, मैं अपनी लुक्स के उत्ते काम करता रहा, और लोग मैनू बारों बारों यो कहते रहे कि तू यार एंड बंदा है, एंड तू एंड गलबात करवानी है। और यही चीज़ तुम मेरे मुंडे नू कहन दे, और वह भी अपने दिमाग दे विच एहो ही रखेगा कि मैं तो स्टार बनन नहीं वाला, मेरी लुक्स एंड है, मैं कमाल दा हैगा, और वह मेहनत करनी छड्ड देगा, और उन्हूं इसे करके फिल्मां मिलनियां बंद हो जाणियां। कहण दा मतलब यह है कि बॉबी देओल ने बड़ियां वधिया गल्लां कीतियां, उन्होंने कहा कि बंदे दे दिमाग दे विच जदों इह गल बह जाए ना कि मेरे तो उपर कोई है ही नहीं, मेरे तो सोहना कोई है ही नहीं, मेरे वर्गा टैलेंटड कोई है ही नहीं, बंदा मेहनत करना बंद कर दिंदा है। जो मेहनत करनी बंद कर दिंदा है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जो ग्रोथ रुक जाती है तो फिर लोग तुहानू पसंद करना बंद कर देंगे ने। फिल्म इंडस्ट्री दे विच तां इदां ही हुंदा, जिन्नी देर तक तुसी वर्सटैलिटी दिखाते रहोगे उन्नी देर तक तुहाडी जय जयकार है, नहीं तो यह जनता जनार्दन मैं कहना मिंट लाउंदी है, अर्श तो फर्श ते लियाउण लगे, सही कहन डे ना। और बॉबी देओल ने इहो गल कही कि लुक्स मैटर नहीं करते, उहदे च किदां दा अंदरूनी टैलेंट है ये मायने रखता, और ये टैलेंट ही उन्हूं हीरो स्टार सुपर स्टार बनाउंदा, एक्टर बनाउंदा, महान एक्टर बनाउंदा। क्या बात है, ताड़ियां मार दिओ बॉबी देओल दे लई। मैं कहना जिदा जिदा उन्हां दी उम्र वधन डई है होर सियाने हो रहे ने। वैल आश्रम वैब सीरीज दे विच वी बॉबी देओल ने काम किया, 1 और 2 दोनों सीजनस दे विच कमाल दी एक्टिंग, कमाल दे लुक्स भी लग रहे ने उन्हां दे। और हाल ही दे विच एक होर वैब सीरीज उन्हां दी आई है, वह भी बा कमाल है। और मैं तो कहना कि जो मुकाम बॉबी देओल नूं पहला नहीं मिल सकिया, उम्मीद करदा दुआ करदा कि वह मुकाम बॉबी देओल नूं हुण मिले। कहिंदे आ ना जदों जागो उदों सवेरा, है कि नहीं। खैर अगे वधदे आ, गल करदे आ असीं एक होर फिल्म दी। फिल्म दा नाम द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल फिल्म दा ट्रेलर जिहड़ा सी बा कमाल सी, और इस विच दर्द विखाया गया कश्मीरी पंडितां दा जिन्हां नूं अपने घरां तों बेघर होण ते मजबूर कीता गया, और ये सच्चाई नूं बयान करन दी ताकत किसे डायरैक्टर किसे प्रोड्यूसर किसे भी मैं कहना फाइनेंसर दे विच नहीं सी, जो ताकत हुण इन्हां डायरैक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने विखाई है। और कहिंदे ने कि इन्हां नूं कोई भी प्रमोशन दा जरिया नहीं मिलिया, किसे ने इन्हां दी बांह नहीं फड़ी, और इन्हां ने आप ही फड़ दड़ के पैसे इकट्ठे करके इस फिल्म नूं बनाया, और 20 करोड़ दे विच ये फिल्म तैयार हुई है, और इस फिल्म ने अज तक 10 करोड़ तो उपर का जिहड़ा बिजनेस है वह कर लिया इंडिया दे विच। और फिल्म जिहड़ा भी देखता रो के बाहर आउंदा, इन्नी इमोशनल इन्नी टच करन वाली दिल नूं ये फिल्म है। जेकर तुसी ये फिल्म नहीं वेखी तो ये फिल्म वेखो। खैर जेकर बॉलीवुड दादा दीयां गल्लां तुहानूं चंगीयां लग रहीयां ने तां तुसी कमेंटां विच मैनूं झड़ी ला के दस सकदे हो, जेकर नहीं भी चंगीयां लगदियां तां भी दस सकदे हो। और तुसी इसे तरह बॉलीवुड दादा नूं HSN TV नूं कनेडियन साथ नूं अपना प्यार बख्शदे रहो। कल फिर हाजिर होवांगा नवीयां ताज़ा तरीन गल्लां लैके, तद तक लई तुसी हाजिर रहो, हसाउंदे रहो। बाय, टेक केयर।